एक मिनट रुक जाओ यार, कहीं छपाक ना हो जाए। चलो नहीं हुआ, ये पूरा बोट स्टैंड है ना ये बंद कर रखा है आज, वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा। जो हिम्मत करके बाहर निकले हैं, अब जो आए हैं तो यार अब तो घूम ही ले वाला हो रखा है। गाइस क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो भाई सुबह से ही बारिश पड़ रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार, क्या ही करें। पिछले 4-5 दिन से लगातार नैनीताल शहर में बारिश का कोहराम छाया हुआ है। ठीक, ये रही मेरी नीस तृष्णा और माय नेफ्यू शौर्य, फिलहाल अभी गेम खेल रहा है, बहुत देर से पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट ले लो क्योंकि कल इनका है पेपर, तो अभी इनकी तैयारी चल रही है पेपर की। तो बाहर का क्या माहौल है, हम लोग चलते हैं घूमने, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। घर से बाहर का कुछ ही नज़ारा है, कोहरा और बारिश और बादल गरज रहे हैं। चलो चलते हैं मार्केट की तरफ, को फिर पूरा शहर भी मंडराएंगे। मैं बहुत देर से वेट कर रहा था बारिश रुक जाए, लेकिन नहीं रुकी यार, 4-5 घंटे हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं रुकी है बारिश। अब क्या ही करें, हमें तो घूमना तो है ही, बारिश में एक चक्कर तो बनता ही है। पहले मार्केट जाएंगे, फिर उसके बाद लेक साइड चलेंगे। मार्केट आ गया हूँ भाई, मार्केट में सन्नाटा ही पसरा हुआ है यार, ऐसी बारिश में क्या ही होगा, कुछ काम धंधा होता नहीं है, सब खाली खाली सा है। जितने भी दुकानदार हैं सारे ऐसे ही खाली बैठे हुए होंगे। ये रहा अपना खड़ी बाजार, यहीं से होते हुए नीचे को निकलेंगे हम। अभी के टेम्परेचर की बात करें ना, फिलहाल इस वक्त 18 डिग्री के आसपास हो रहा है, शाम को 14 डिग्री के आसपास जा रहा है, ठंड बढ़िया हो रही है देखा जाए तो। मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं भाई, सारी सारी ऐसे ही बस दुकानदारें खोल के बैठे हुए हैं, ग्राहक कोई है ही नहीं। ऐसे में ग्राहक भी कहाँ आएंगे यार, इतनी तेज़ बारिश में कोई नहीं आता ग्राहक यार, बस हल्की फुल्की दुकानदारी चल रही होगी जिसकी चल रही होगी। टूरिस्ट भी ज़्यादा हैं नहीं, जितने भी होंगे सब होटल में होंगे, घूमने ऐसी बारिश में कहीं भी नहीं जा सकते। अलर्ट के हिसाब से तो वैसे आज लास्ट डे है बारिश का, लेकिन मौसम का यहाँ का एग्जैक्ट कुछ पता नहीं, ये आगे भी बढ़ सकता है अलर्ट, आगे भी ऐसा हो सकता है कि और 5-6 दिन बढ़ जाए, या आज की बारिश हो फिर कल से मौसम साफ हो जाए। लेकिन 30th तक तो बारिश रहने वाली है, तो जुलाई पूरा ही बता रखा है यार बारिश का मौसम विभाग ने, तो आने वाले दिनों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। खाली खाली सा नैनीताल हो रहा है यार, यही है बस, बारिश में कुछ ही है जो जिनका रेगुलर मतलब काम होता ही होगा, जाना ही है तो वही निकले हैं, बाकी हम जैसे ही निकले हैं। खैर मुझे तो बारिश में यार घूमने में मज़े आते हैं सही बताऊं तो यार, चाहे वो नैनीताल की बारिश हो चाहे वो प्लेन्स की बारिश हो। हाँ प्लेन्स की नैनीताल जैसी बारिश नहीं होती है, यहाँ की जो बारिश है भाई बड़ी शुद्ध जैसी है, पानी बहुत शुद्ध है। अब जितने भी प्लेन्स में लोग हैं वो मतलब रिलेट कर सकते हैं मेरी बात से कि किस तरीके का बारिश होता है। एसिड रेन एग्जैक्ट तो नहीं होती है, आप दिल्ली की बात करो तो भाई वहाँ एसिड रेन भी होती होगी, वहाँ की नहीं बता सकता एग्जैक्ट। एक मिनट रुक जाओ यार, कहीं छपाक ना हो जाए। चलो नहीं हुआ, ज़्यादा तेज़ नहीं था तो ऐसे में देखो पानी आ रहा है ना, छप करके पड़ गया तो बड़ा ही गुस्सा आता है यार, ऐसे में गाड़ी वाला तो निकल जाता है और जो चल रहा है भाई वो भीग जाता है। सावन का महीना चल ही रहा है तो एक गीत नहीं है कि सावन का महीना पवन करे शोर, अरे शोर नहीं शोर, शोर अरे शोर, अरे हाँ भाई शोर, अच्छा शोर तो ऐसा ही कुछ है, पवन तो शोर नहीं कर रहा है लेकिन बरखा रानी जो है वो खूब बरस रही है नैनीताल में। फिलहाल DSA फ्लैट्स में आ गया हूँ, तो यहीं से लेक साइड की तरफ को चल रहे हैं, टूरिस्ट है नहीं शहर में आज बिल्कुल भी, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है नैनीताल शहर आज। DSA फ्लैट्स भी बिल्कुल कुछ ना कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ होते रहती हैं, कुछ ना कुछ गेम्स वेम्स होते हैं, इस बीच तो कोई भी गेम हो भी नहीं रहा है, बीच में हॉकी चली थी, फुटबॉल की तैयारी होगी कुछ दिनों बाद। फिलहाल DSA फ्लैट्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, मैं ही दिख रहा हूँ यार फ्लैट्स में, देखा जाए तो कुछ उधर हैं कोने कोने में हैं भाई, एकदम सेंटर में हम ही खड़े हैं एकदम चौड़ में होकर। तो चलो बारिश थोड़ी और तेज़ हो रही है, खैर सुबह से ही पड़ रही है, तेज़ क्या हो रही है यार बारिश की बात करें तो। रेगुलर बारिश का माहौल अगर ऐसा ही रहे कुछ दिन, नैनीताल में ज़रूर आएगी कोई खबर तो आएगी अगर ऐसी बारिश रही तो यार, तो क्या ही कहें यार, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बाकी अभी हम आगे चलेंगे, हमें विचित्र जैसे लोग देखेंगे, सेनापति, अभी सेनापति मैं बताऊंगा किसको कह रहा हूँ मैं। खैर बहुत से लोग ना ऐसी बारिश में भीग भी रहे हैं, देखो मेरे पीछे से कुछ लड़के लड़के जा रहे हैं, खैर इन्जॉय कर रहे हैं रेन को देखा जाए तो। लेकिन यार यहाँ की बारिश बीमार कर देती है अगर ज़्यादा आप भीग लो तो, क्योंकि ठंड पहाड़ों की बारिश है, ठंड लग जाती है। अभी तो क्या है कि आप जोश जोश में घूम ले रहे हो, फिर ऐसा होता है जब होटल होटल में आता हूँ ना, फिर जो आछू करके शुरू होता है ना भाई, सर्दी जुकाम एकदम लग जाता है यहाँ, तो थोड़ा भाई बच के रहना चाहिए, हल्का फुल्का भीग लो उसके बाद छाता ले लेना चाहिए। जितने भी लोग आते हैं ना अमूमन टूरिस्ट में जो भीगते हुए दिखते हैं यार, नहीं भीगने में ज़्यादा यहाँ पर सही नहीं रहता है। मैं सेनापति वाली ड्रेस की बात कर रहा था ना, देखो ये रही सेनापति वाली ड्रेस, सो जितने भी रेनकोट है ना ये भाई टूरिस्ट ही पहन के घूम रहे हैं सारे, बाकी कुछ लोग ऐसे भी इंजॉय कर रहे हैं।
कुछ लोग सेनापति वाली ड्रेस में भी हैं। ठीक है भाई, जो जैसे इंजॉय कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। सही है यार, जो घूमने आए हैं वो बारिश हो कुछ हो तो निकल पड़े हैं, चाहे वो सेनापति बन के घूमें चाहे नॉर्मल भाई ऐसे ही घूमें। डॉग्स देखो, हेलो, हैप्पी रेनी डे, हैप्पी रेनी डे, आई होप दे आर इन्जॉइंग। क्या ही इन्जॉय कर रहे होंगे बारिश में, बेचारे परेशान हो जाते हैं। न्यू कैपिटल सिनेमा के पास पहुंच गया हूँ भाई, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर यार। नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, लेकिन शून्य पर है आज यहाँ पर बारिश के वजह से। खैर सारा माहौल ना फीका कर देती है बारिश, ये तो खैर है ही, चाहे टूरिज्म हो चाहे लोकलाइज भी हो, कोई भी नहीं निकलता ऐसे में। मैं जूमलैंड के पास पहुंच गया हूँ, यहाँ पर जो पैडल बोट स्टैंड है बंद कर रखा है। ठीक ही है, खैर यार ऐसे में क्या ही करोगे, बंद में ही ठीक है। चलो हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं। ए भगवान, ये पूरा बोट स्टैंड है ना ये बंद कर रखा है आज, वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा। क्या काम है नहीं तो बंद ही कर दिया, शटर वटर लगा रखा है। ऐसे में फिर क्या ही जाना, थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, वो डेक जो है यार फिसलन भरा भी हो जाता है ना। तो लेक की तरफ नज़र चढ़ाई जाए तो भाई पूरी लेक देख लो क्या हो रखा है माहौल भाई, एक भी बोट नहीं है जो बीच लेक में हो। ऐसे में बंद कर देते हैं, नाविकों के लिए भी यार क्या ही रोज़गार। इस बीच तो बारिश होगी तो यार बोट वोट चलेगी नहीं, तो कुछ ही नहीं हो सकता। बस ताकते रहो कि यार काश बारिश रुक जाए, जो टूरिस्ट आए हैं फिर उसके बाद बोटिंग करें। ऐसे में क्या है, मछलियाँ इधर उधर टूलते हुए दिख रही हैं। खैर एक मज़े की बात बताऊँ, देखो मैं इस लेक में ही मैंने स्विमिंग सीखी है। इस लेक की खास बात ये है, या मतलब लेक की खास बात ये होती है, जब बारिश पड़ती है ना तो पानी गर्म होता है। तो मुझे याद है अपने, मतलब मैं 5-6 साल पहले की बात बताऊँ तो होता क्या था कि हम ऐसे ही सुबह सुबह चले आते थे 9 बजे करीब लेक में स्विमिंग करने। वो लीगल स्विमिंग होती है वहाँ पर, मतलब सिखाई जाती है। तो बारिश पड़ जाती थी तो लेक में इतना गर्म लगता था ना यार, पानी गर्म गुनगुना जैसा लगता था, और जैसे ही बाहर आओ फिर ठंडा लगता था। यार ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ यार ऐसा होता था हमारे साथ। तो काफ़ी वक्त से खैर स्विमिंग तो करी नहीं है, और मतलब मैंने क्लास 5th में स्विमिंग सीख ली थी इसी लेक में, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं डर निकालना चाहता था ना पानी से, तो मैं आ गया था। मैंने कहा नहीं यार डर तो निकाल के छोड़ूंगा पानी से, मुझे बोट में बैठने में डर लगता था, तो मैंने ये कारण था स्विमिंग सीखने का। अब सीख ली, फिर क्लास 5th से 10th 11th तक स्विमिंग सीखी, फिर उसके बाद छूट गए यार। काफ़ी साल हो गए अब तो यार, बहुत साल हो गए हैं छूटे हुए स्विमिंग, काफ़ी इस लेक में तो बहुत टाइम से करी भी नहीं है। उत्पाद वाला एरिया भाई पूरा ही, यहाँ भी सन्नाटा ही पसरा हुआ है देखा जाए तो। बस कुछ टूरिस्ट अब मुझे दिख रहे हैं हल्के हल्के, जो हिम्मत करके बाहर निकले हैं अब, जो आए हैं तो यार अब तो घूम ही लेने वाला हो रखा है। बाकी मुझे बोट स्टैंड में भी कुछ लोग दिख रहे हैं। चल लेक का लेवल भी अच्छा खासा बढ़ गया है वैसे, कल रात भी बारिश हुई थी, आज सुबह से ही पड़ रही है बारिश। लेवल तो अब रेगुलर और ज़्यादा होगा, ये पता है बिल्कुल आखिरी सीढ़ी तक पहुँच जाएगा पानी कुछ दिनों में, अभी तो नहीं। खैर अभी रेगुलर एक आध महीने जब तक बारिश रहेगी, मेरे ख्याल से जुलाई एंड तक पानी ऊपर पहुंच जाएगा। फिलहाल ये टूरिस्ट यहाँ जितने रंग बिरंगी चादरें दिख रही है ना सबके पास, और देखो बोटिंग के लिए ही होंगे शायद यार ये लोग भी खड़े हुए, नाविक भी इधर उधर हैं यार, कि बारिश रुके और तो बोटिंग हो तो अच्छा है, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है। मॉल रोड पर आ गया हूँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सेल होती है ना भाई ये छाताओं की, 200-300 रुपये यही रेट में खूब ज़्यादा बिकते हैं। जितने भी लोग हैं लोकल लाइट भी देखो, चाहे मैंने भी खरीद रखा है एक रंग बिरंगा का, ब्लैक एंड वाइट ख़रीदा है। वह मेरे पास एक था, एक इंद्रधनुष वाला था यार मेरे पास छाता, वो खो गया था यार, बड़ा दुख हुआ था। फिर मैंने एक और छाता लिया, वो टूट गया। अब ये छाता लिया है, अब लेट्स सी ये कितने दिन चलेगा, ये बरसात तो काट ही लेगा, फिर नेक्स्ट ईयर एक और छाता लेंगे। चलो यार हो गया हमारा आज का मंडराना, अब सीधे घर को निकलना है, बच्चों को वैसी प्रिपरेशन करवानी है, उनका कल एग्ज़ाम भी है यार। बाकी क्या है, ये माहौल तो आज का ऐसा ही है, और कुछ स्पेशल तो हो नहीं रहा है, बारिश ही हो रही है बस। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो इट लास्ट, आपको क्या कर रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा कुशुम।